नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। और आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए, वहां पर आपको है जो इस सेशन की पीडीएफ है मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे साथियों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक पर शोध कर रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आपसे पूछा कि नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक पर शोध कर रहा है, तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर है जो ये शोध कर रहा है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के शोधकर्ता और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IAS पर है जो साथियों मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर है जो शोध कर रहे हैं। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनक पर शोध कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आज के दिन का रहेगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक कट्टर का नाम किसके नाम पर रखा है, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल। किसके नाम पर रखा है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही के अंदर साथियों मंगल ग्रह की सतह पर 3 गड्ढे यानी क्रेटर्स खोजे हैं। यह खोज है जो अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों ने की है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो खोज की गई है साथियों 3 जो क्रेटर्स खोजे गए हैं किनके द्वारा, तो साथियों अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा की गई है। 3 में से साथियों एक क्रेटर का नाम PRL के पूर्व निदेशक और बाकी 2 क्रेटरों का नाम है जो उत्तर प्रदेश और बिहार शहरों के नाम पर रखा गया है। लाल क्रेटर है जो साथियों ये 65 किमी चौड़ा है। इस क्रेटर का नाम PRL के पूर्व निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। वह साथियों 1972 से 1983 के बीच है जो PRL के डायरेक्टर रहे थे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों 2 जो अन्य क्रेटर हैं उनका नाम है साथियों उत्तर प्रदेश और बिहार के शहरों के नाम पर रखा गया है। और इसके अंदर साथियों जो लाल क्रेटर है उसका नाम है जो साथियों जो अहमदाबाद की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है उसके पूर्व डायरेक्टर रहे, कौन है, डायरेक्टर रहे प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ये रहने वाला है। और ये जो साथियों लाल कैटर ये 65 किमी चौड़ा है इसका नाम है जो रखा गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जो साथियों प्रोफेसर देवेंद्र लाल हैं 1972 से 1983 के बीच हैं जो इसके डायरेक्टर रहे थे, किसके, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों ज्योति विज को है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को याद रखना है। हाल ही के अंदर साथियों जो ज्योति विज है उनको फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया महानिदेशक है जो नियुक्त किया गया है। ये अपने को सीधा का सीधा याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ICC ने मई प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष में किसे चुना गया है। ये आपसे पूछा है कि ICC ने मई प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए पुरस्कार पुरुष में किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों, यानी आपसे ये पूछा गया है कि ICC के द्वारा साथियों जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके अंदर साथियों मंथली का दिया जाता है, उसके अंदर पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। तो इसके लिए साथियों आपसे पूछा है कि मई प्लेयर ऑफ द मंथ का जो पुरस्कार है वो पुरुष वर्ग में है जो किसे, पुरुष वर्ग के लिए किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा गुडकेस मोती। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ है जो इनके पुरस्कारों की घोषणा की है मई महीनों की, उसके अंदर साथियों ये जो पुरुष वर्ग का जो पुरस्कार है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के स्पिनर गुडकेस मोती को मिला है जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान उमदा प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ महिला के वर्ग में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार श्रीलंका की समारी अटापुटो के हिस्से में गया है। तो दोनों याद रखिएगा साथियों पुरुष वर्ग में तो दिया गया है वेस्ट इंडीज के साथियों कौन है, गुडा कैसे मोती को, वहीं महिला वर्ग में ये दिया गया है समारी अटापुटो को, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो श्रुति वोरा कौन बनी है, तो आंसर हो जाएगा श्रुति वोरा। भारतीय घुड़सवारी महासंघ ने घोषणा की है कि अनुभवी श्रुति वोरा 3-स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली भारतीय राइडर बन गई है।
कोलकाता की रहने वाली साथियों, श्रुति ने इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 और एशियन खेल 2010 और 14 में है जो भारत का प्रतिनिधित्व किया। और हाल ही के अंदर साथियों 7 से 9 जून को स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित CDI 3 इवेंट के अंदर श्रुति ने 67.761 जो हासिल किए हैं। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर 3-स्टार ग्रेड पिक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा श्रुति वोरा बनी है। और ये कहाँ की हैं, तो साथियों कोलकाता की रहने वाली हैं, ये अपने को याद रखना है, इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन रहेगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारतीय सेना का पहला स्वदेशी लॉयट्रिंग म्यूनिस मिला है, इसका नाम है क्या है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नाग शस्त्र प्रथम। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन का पहला बैच मिल गया है जिसका नाम नागास्त्र है, जो साथियों फर्स्ट रखा गया है। किसी भी समय से साथियों आतंकी और देश के दुश्मनों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। आत्मघाती ड्रोन का सेना लॉयटरिंग मिशन कहते हैं, यानी सामान्य भाषाओं में इसे सुसाइड ड्रोन से कहा जाता है। और इसे बनाया है साथियों इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड कंपनी और जेड मॉन्सन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये भी अपने को याद रखना है। यानी साथियों इसको है जो सामान्य भाषा में है जो सुसाइड ड्रोन्स कहा जाता है, उसका जो निर्माण किया गया है वो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोरेशन लिमिटेड कंपनी और जेड मॉन्सन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और भारतीय सेना को साथियों आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम है नाग अस्त्र प्रथम, ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो साथियों बनी है आपकी नोकिया। हाल ही में स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो नोकिया बनी है। नोकिया एक नई टेक्नोलॉजी लाई है जो फोन कॉल करने का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल देगी। नोकिया के सीईओ ने दुनिया की पहली इमर्सिव कॉल की है। इमर्सिव कॉल आपको 3D साउंड का है जो मजा देती है। इसमें आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा साथियों कि जिस शख्स से आप कॉल पर बात करें हैं वो बिल्कुल आपके सामने होकर बातें कर रहा है। ये जो नई टेक्निक आई है साथियों, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि हाल ही में स्पेशल ऑडियो का इस्तेमाल कर फोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है, तो आंसर हो जाएगा नोकिया बनी है, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है, तो आंसर हो जाएगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी। किसके द्वारा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा साथियों मंगल ग्रह बर्फ की खोज है जो की गई है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सोमोर्स और मोर्स एक्सप्रेस मिशन ने मंगल ग्रह पर भारी मात्रा में पानी होने का है जो पता लगाया है। तो ये चर्चा में क्वेश्चन है तो आपसे पूछा जा सकता है और अपने लिए साथियों इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर बर्फ की खोज की है, तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी के एक्सोमोर्स और मोर्स एक्सप्रेस मिशन है जो इस चीज का पता लगाया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है, तो UAE के साथ है। कि इसके अंदर होगा क्या साथियों, इसके अंदर जो अपने स्थानीय मुद्रा होती है उसके अंदर है जो दोनों देशों के बीच है जो व्यापार किया जाएगा, यानी लेन देन किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि यह प्रणाली दोनों देशों के बीच लेन देन को उनकी संबंधित घरेलू मुद्रा भारतीय रुपये और यूएई दिरहम में संचालित करने की अनुमति है जो देता है। सीधा का सीधा इसको अपने को याद है रखना है, नहीं लोकल जो करेंसी है देशों की उसके अंदर है जो साथियों व्यापार किया जा सकेगा। हाल ही में कैटर ब्रेड्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची में भारत की कितनी कंपनी शामिल है, तो इसके अंदर साथियों 4 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत की TCS हो गई, HDFC हो गया, एयरटेल हो गया और इंफोसिस हो गया। ये सब अपने को याद रखना है कि हाल ही में कैटर ब्रेडर्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची में भारत की कितनी कंपनी शामिल है, तो 4 कंपनियां इसके अंदर शामिल है, वो कौन सी है, TCS, HDFC, एयरटेल और इंफोसिस, ये अपने को याद रखना और आपसे पूछा भी जा सकता है। तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल को, ये अपने को याद रखना है। पहली बार साथियों 20 मई 2014 को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो नियुक्त किए गए थे। अब मोदी जी के कार्यकाल में साथियों एक बार फिर है जो आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में है जो अजीत डोभाल जी देखने को मिलेंगे, ये अपने को याद रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पीके मिश्रा का। और इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो प्रमोद कुमार मिश्रा है। पीके मिश्रा गुजरात कैंडर के 1972 बेंच के
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 2001 से आज के दौरान मिश्रा ने नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में भी काम किया है, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो इम्पोर्टेंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो पीके मिश्रा जी को है जो प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। और इनका जो पूरा नाम अगर आपसे पूछे साथियों, तो वो रहेगा प्रमोद कुमार मिश्रा। ये साथियों गुजरात केंद्र के 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। 2001 से 2004 के दौरान इन्होंने साथियों है जो जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के पीएम नरेंद्र मोदी, तब उनके काम में किया था अंडर में प्रधान सचिव के रूप में। तो ये अपने को यादें रखना है, इम्पोर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी, तो साथियों अमरावती को है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, इससे पहले मंगलवार को उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश की राजधानी अमरावती होगी, विशाखापट्टनम नहीं। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम को प्रदेश की आर्थिक राजधानी और हाईटेक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये अपने को याद है रखना है, यानी साथियों जो विशाखापट्टनम है उसको आर्थिक राजधानी और हाईटेक सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। जो राजधानी होगी आंध्र प्रदेश की वो अमरावती रहेगी। ये अपने को याद है रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे साथियों जो फैक्ट है ये भी याद रखना कि विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने विश्व बैंक के कंटेनर डिपो परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर है जो 18वां स्थान हासिल किया है। ये सब चीजें अपने लिए इम्पोर्टेंट रहेगी कि हाल ही के अंदर साथियों एक जो विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी होती है उसके अंदर विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने 18वां स्थान है जो हासिल किया है। ये अपने लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आपसे साथियों पूछा भी जा सकता है, तो अपने को क्या रखना है इसको याद है जो रखना है। तो साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट्स से। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।